हेलो सूरत, आज चिल्ड्रंस डे है। आज हम कुछ ऐसे बच्चों से मिलने वाले हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हम चाहते हैं कि सूरत एक ऐसी सिटी, डिजिटल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाए और आगे बढ़े। तो आइए मिलते हैं हम सूरत के कुछ ऐसे ही टेकी किड्स से। हाय, वी हैव विताज शेख विद अस। तो जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि डिजिटल फील्ड में ये स्टूडेंट्स या बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो हितार्थ के साथ आज हम बात करेंगे कि हितार्थ ने किस तरीके से इस फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर दिया है। बहुत सारी एक्टिविटीज हितार्थ करता है और मैं आगे भी हितार्थ को मिल चुका हूँ और बहुत ही इंप्रेसिव काम है हितार्थ का। तो आइए बात करते हैं हितार्थ से, जानते हैं कि उसने कहाँ से ये शुरुआत की, आगे उसके क्या गोल्स है और कुछ सजेशन, कुछ टिप्स क्या वो अपने ही एज ग्रुप के किसी फ्रेंड्स को देना चाहते हैं कि नहीं। हितार्थ, वेलकम टू द शो। हितार्थ, थोड़ा अपने बारे में बताइए, लोगों को जानना है आप क्या करते हो और कहाँ पढ़ते हैं आप। मेरा नाम हितार्थ है और मैं नौवीं क्लास में हूँ। मैं बुलका भवन स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल के लिए मैंने वीडियोस बनाने के शुरू किए। मतलब मैं मेरे क्लास के लिए जो एजुकेशनल वीडियोस है वो मैं 2D एनिमेटेड बनाता था, जो मैंने 8th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने एक गुज्जू स्टूडेंट करके एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसमें आप हर स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप अपने नज़दीकी फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। मतलब पूरा एक स्टूडेंट का कम्युनिटी बनाया है। सोहिता, क्या पर्पस था, जैसे आप कह रहे हो कि आप जब 5th-6th में थे तब वीडियोस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से आप डेवलपमेंट में आ गए, तो जैसे एप्लीकेशन बनाना है, हम जब वैसे हम बोलते हैं कि बच्चों का खेल नहीं है और यहाँ पर सही में बोलना कोई बच्चा ही ये कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस, लाइक किस तरीके से आप डेवलपमेंट में आ गए, प्रोग्रामिंग कहाँ से सीखा आपने? मैंने जो एनिमेटेड वीडियोस थे उसके लिए मैंने कोर्स किया था यहीं पे सूरत में से, पर जो एप्लीकेशंस बनाना था वो वैसे ही, मतलब जब मैं वीडियोस बना रहा था तब मैंने कुछ दूसरे CBSE के ऐप्स देखे, बट तब मुझे लगा कि ये गुजरात बोर्ड के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो उस वक्त मैंने सोचा कि शायद वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं हम उसके लिए, तो फिर मैंने उसके बारे में सीखना शुरू किया। और उसी वक्त मेरे जो दादी हैं उनका डेथ हो गया और उसके पीछे एक रीज़न था कि उन्हें डायबिटीज़ था और उनको पता नहीं था कि डायबिटीज़ है, और इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि 3 में से एक जो होता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसको डायबिटीज़ है, तो इसलिए मैंने फिर उसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने डायबिटीज़ डॉक्टर नाम का ऐप बनाया, जिसमें आप मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स के, हितार्थ को जैसा आपने सुना कि वो ये पता करता है कि भाई कहाँ से क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक इतनी छोटी एज ग्रुप में ये जान लेना कि क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की यूटिलिटी को समझना, उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना और बाद में उसके रिलेटेड कुछ करना। तो रिसेंटली एक स्टार्टअप वीकेंड प्रोग्राम भी हुआ था सूरत के अंदर, तो हितार्थ वहाँ पर भी आया था, इतनी छोटी एज में भी उसने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और उसने अपना स्टार्टअप का जो आइडिया था उसने वहाँ पे रखा था और बिलीव मी वो फाइनल्स में भी सिलेक्ट हुआ था। तो ये भी एक बहुत ही एक इंस्पायरिंग चीज़ आप देख सकते हो कि इतनी छोटी एज में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, उसके यूटिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ उसके अंदर हो सके जो मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सके, वो शायद आप हितार्थ से ज़रूर सीख सकते हो। सो हितार्थ, मुझे एक और बात बताए कि जैसे अभी तो चलिए आप पढ़ रहे हो, अभी आप बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? मतलब एक एकेडमिक डिग्री जो आपको लेनी है वो तो लेनी है, लेकिन जो आप 5th स्टैंडर्ड से कर रहे हो और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तो क्या है आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि फिर भी अगर मेरे बोर्ड्स के बाद भी मैं हो सके उतना इस फील्ड पे फोकस करूँगा, क्योंकि सब इंजीनियर बनेंगे तो फिर दूसरा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और नए ऐप्स बनाता रहूँ, नए वेबसाइट्स बनाता रहूँ, जिससे लोगों के लिए अच्छा मतलब सॉल्यूशंस मिल सके। कुछ ऐसा चाहते हो, जैसे आप सूरत में ही हो, सूरत में ही पढ़ रहे हो, सूरत में आप बड़े हो रहे हो, क्या आपको लगता है जैसे सूरत का जो ग्रोथ हो रहा है, जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वी हैव सीन दैट इन लास्ट सो मेनी इयर्स,
So now we are talking about the clean Surat, we talk about green Surat, and also we talk about the smart Surat. So hum bhi ye chahte hain ki Surat ek digital city ke taur par jana chahe, not only in Gujarat but sare India mein usko digital city ke taur par jana chahe. So aap kya dekhte ho, kya Surat mein wo potential hai ek digital city ke taur pe aane ka? Ji, Surat mein hai, lekin Surat mein आप जैसा सोच रहे होंगे कि जैसा बेंगलोर है, जैसे मुंबई है, उतना ग्रोथ हमें, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा. दूसरी चीज़ें हैं जिसमें ज़रूर होगा, लेकिन सूरत में अभी कुछ सालों में ये होना पॉसिबल नहीं लगता. तो क्या ये मान सकते हैं कि आप बाहर पढ़ने नहीं जाओगे, आप जैसे यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे रहे क्या शायद सूरत को थोड़ा एडवांटेज दे सके? जी बिल्कुल. और वैसे भी SMC अपनी एप्स बना रहा है, मतलब SMC भी अपना मतलब सब डिजिटल कर रहा है, उनकी वेबसाइट्स भी काफ़ी बेहतर है अभी उन्होंने, तो मतलब गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है उस पर, लेकिन टाइम जरूर लगेगा. इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जितने जो जो स्कूल में पढ़ते जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सब मिलके अगर कुछ एक एक ऐसी चीज करें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही हो, तो शायद सूरत को भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा. तो हम बार बार ये भी बहुत सारे डिस्कशन करते हैं कि जैसे आप हो या आपके बाकी के थोड़े कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्यों इतने कम, ज़्यादा क्यों नहीं? तो आपके पास कुछ सजेशन है आपके ही एज ग्रुप के बच्चों के लिए? क्या आपके पास कुछ सजेशन है जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूटिलिटी नहीं समझते, तो क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे आप उनको? सो मतलब मैं भी पहले दूसरे बच्चों की तरह, मेरे पास जब मोबाइल आया 7th में, तो तब मैं वैसे ही यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस देखता रहता था, फेसबुक पे टाइम पास करता था. लेकिन उसके बाद जब मैंने ये सब देखा और फिर कुछ साइट्स मिली मुझे जहाँ पे हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, वो भी फ्री में हम सीख सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर कुछ कोर्स किए और उसके बाद मैंने ये ऐप्स डेवलप करना शुरू किया. सो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब आप छोटे होते हैं उसी वक्त आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, आप बड़े होंगे फिर आप कॉलेज करेंगे फिर करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा. तो एक और है कि आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, तो क्या आपके टीचर्स को पता है कि मेरे क्लास में कैसा भी स्टूडेंट है जो ये सारी चीज़ें करता है? तो क्या आपको लगता है कि स्कूल्स के और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा और ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे, या वो भी उनकी खूबियों के बारे में जाने, या मे बी स्कूल्स थोड़े ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि जिसकी वजह से आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर इस बारे में करें? तो आपका क्या, आपकी क्या राय है, स्कूल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए? हाँ मतलब स्कूल्स, अगर स्कूल्स को पता चले कि उनके स्कूल में जो कोई स्टूडेंट है वो कुछ नया कर रहा है, वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो डिजिटल हो या कुछ भी और भी फील्ड हो, तो उसे किसी भी तरह से उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसको जैसा जितना भी हो सके उसे उतना एनकरेज करना चाहिए और दूसरों को भी उसका एग्जाम्पल दे के मोटिवेट करना चाहिए. बहुत अच्छा है. तो मुझे लास्ट में ये बताइए था कि आपकी एप्लीकेशंस जो है वो हमारे व्यूअर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको क्यों डाउनलोड करना चाहिए, तो थोड़ा आप उनको गाइड कीजिए. सो मैंने मेरी मेन एप्लीकेशंस है, जो एक एप्लीकेशन है डायबिटीज़ डॉक्टर. सो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और अगर और उस ऐप में आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका डेली डायबिटीज़ का जो एनालिसिस है वो भी आपको मिलता है. और जो मेरे एज के स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात बोर्ड में है स्पेशली, तो उनके लिए ये गुज्जू स्टूडेंट ऐप है. सो उसमें आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आप ऑन द वे भी आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के आप उसमें पढ़ सकते हो. ऐप में आपके नज़दीक के स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और आपके लिए एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है कि आप अगर फेसबुक पे नहीं है लेकिन इसमें ये पूरा सेफ एनवायरनमेंट रहता है. तो क्या ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर है अभी? नहीं, अभी तक एंड्रॉइड पे ही है, प्ले स्टोर पे से आप डाउनलोड. कुछ प्लान है आपका iOS के ऊपर जाने का? हाँ थोड़े समय, मतलब मैं अभी उसको सीख रहा हूँ, मतलब iOS का. तो अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ अच्छे टैलेंट के अंदर जो पोटेंशियल हो, तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा हितार को कि आप यहाँ पर भी एक बार देखें, आप हितार से मिले, हितार के साथ सोशल मीडिया में भी कनेक्ट हो और देखें अगर यहाँ पर पोटेंशियल है तो ऐसे ऐसे टैलेंट को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए. और हमारी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे सकें तो ये जो बच्चे ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं. थैंक यू सो मच हितार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें, आपके ग्रुप के लोगों को इंस्पायर करें, और कुछ मैसेज जाते जाते अगर आप छोड़ना चाहते हो ना सिर्फ अपने एज ग्रुप के लिए लेकिन ऐसे हर एक के लिए
जो इंटरनेट मोबाइल लैपटॉप तो यूज़ करते हैं लेकिन उसके फ़ायदे नहीं समझते, अगर आप कुछ देना चाहो जी। मतलब अगर आपके पास अगर मोबाइल है, आपके पास टेक्नोलॉजी का फुल एक्सेस है, तो आप उसको सिर्फ टाइम पास के लिए मत यूज़ कीजिए। आप सिर्फ गेम्स खेलते रहेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी साइट्स और ऐप्स हैं जिसमें आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं और उसको आप अपना अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं उसके थ्रू। सो आपको दूसरी थिंग, बहुत सही बात है, थैंक यू सो मच इतना जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ये थे हमारे साथ हितार शेठ, ज़रूर आप उससे जुड़िए और देखिए आपके आजू बाजू में ऐसे कोई स्टूडेंट्स हो जो डिजिटली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, तो आप इनके साथ एक बार एक कनेक्शन करवा दीजिए, कम्युनिकेशन करवा दीजिए, जैसे कम्युनिटी बिल्डअप होगी और इससे हमारे समाज का, हमारी सिटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। नमन, सो लाइक बहुत सारी चीज़ें आपने की है डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, आपका इंटरेस्ट भी बहुत है, तो कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या क्या करते हैं आप एक्चुअली। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले, आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया iVIPANAN ने, उस लिए सबसे पहले आपको थैंकफुल कि इतने बड़े दिन के लिए चिल्ड्रंस डे के दिन मुझे चांस दिया, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आपने बात की कि ये डिजिटली मतलब किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाइक, व्हाट्सअप, ये सब यूज़ तो करते हैं, पर उन सबका इंटरेस्ट क्या है उनमें कि वो चैटिंग करते हैं, कोई फाइल सेंड करते हैं, बस इतना सा। पर ये सोशल मीडिया सिर्फ उतने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे अलग भी यूज़ है, जैसे कि समझ लो अपना कोई चैनल हो, उसको प्रमोट करना हो, अपने चैनल को हर जगह पर प्रमोट करना हो, या कि उसके ट्रैफिक बढ़ानी हो, तो उसके लिए बहुत काम आता है। क्या करते हैं, क्या कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और किस तरीके से आपको ये इंटरेस्ट डेवलप किया आपने? सो फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नमन जैन एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11 एंड समराइट इंटरनेशनल स्कूल एंड माई प्रीवियस स्कूल वॉज तपोन संस्कार धाम एंड फ्रॉम 5th to 10th आई हैव स्टडीड देयर। और जैसे कि बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरा मतलब किस तरह से कुछ पॉइंट है, तो उसमें बोलूँ तो मैंने या अभी से 3 महीने पहले ही यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो उसका देखें तो अभी तक 3000 जितनी व्यूज़ आ चुकी है। उस पर मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट किस तरह से जागा, तो सबसे पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में सब मुझे पूछते थे कि टॉप 10 इसमें कौन है, क्या तू उसके बारे में जानता है, क्या तुझे पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो मैं सब उन सबको देख के ऐसा लगता था एक्चुअली में ये होता क्या है। तो उन सबके बाद मुझे ऐसा पता चला कि इन सबके बारे में जानने का बहुत मतलब अच्छा इसका नॉलेज है, तो फिर मैं उसके बारे में रिसर्च करता गया। उसके बाद में मुझे पता चला कि अपने नॉलेज को शेयर करने का अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी है, उसको बोलते हैं यूट्यूब, तो उसमें मैंने अपनी वीडियोस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाई और उसको अपलोड करता गया, और उसका रिजल्ट मतलब धीरे धीरे मिल रहा है और अब तक उसकी 3000 व्यूज़ हो गए और 40 जितने सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर डेली डॉट सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे है, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टम्बलर, स्टम्बल अपॉन, वीमियो, डेली मोशन, हर प्लेटफॉर्म में। तो इसका मतलब समझ लो कोई भी चीज़ एक जन बच्चा यूज़ करता है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज़ करे, उसको हर प्लेटफॉर्म में जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेगा उससे उसका ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। क्या मेन कंटेंट क्या होता है आप जब सोचते हो, आप जो वीडियोस बनाते हो, तो क्या कंटेंट के ऊपर आपका फोकस होता है? इसका एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न क्या है, जो भी ऑडियंस इसका रिटेंशन रहेगा उसको क्या बेसिकली जो भी नॉलेज होता है वो सब मिलता रहे। जैसे मेरी एक वीडियो थी क्रिप्टो करेंसी का भी, बहुत मतलब अपवर्ड अपग्रेडेशन चल रहा है, तो मैंने बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन को कैसे माइनिंग कर सकते हैं वो बनाई वीडियो, एथेरियम माइनिंग, लाइट कॉइन माइनिंग, इस तरह की बहुत सारी वीडियो बनाने की ट्राई की। उसकी वजह से क्या लोगों को पता चले कि बिटकॉइन का टर्म है, उसका नाम क्रिप्टो करेंसी क्यों पड़ा, ये करेंसी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है तो किधर करती है, एक्चुअली में इसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं जो सिर्फ नेट बैंकिंग ट्रांसफरिंग के लिए ही ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए इन सब टॉपिक को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाना चालू किया। तो क्या लॉन्ग टर्म क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आप सोचते हो कि जैसा अभी तो कई बार होता है ना कि जब एक स्कूल में पढ़ते हैं थोड़ा टाइम होता है तो बहुत सारी चीजों को हम करते हैं, तो क्या आप इसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तौर पे देख रहे हो, आपका क्या व्यूज है उसके बारे में? इसका एक्चुअली में जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया तब मेरा मोटिव क्या था कि नाम था इस चैनल का डेली डॉट, तो मेरा इसका मोटिव क्या था कि हर दिन एक एक नॉलेज की वीडियो शेयर करूं, पर ये 1-2 महीने तक हुआ, उसके बाद मतलब
पढ़ाई और ये वीडियो बनाने का दोनों का एक साथ में मतलब तालमेल एकदम अच्छी तरह से ना बिगड़े, स्कूल का भी ना बिगड़े और मेरी वीडियो बनाने का भी ना बिगड़े, इसलिए मैंने पर वीक दो वीडियो डालना स्टार्ट किया। उसकी वजह से भी मेरा ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा आ रहा है, ऑडियंस इंडिया से 80% जितना है और 20% मेरा आउट ऑफ से व्यूज़ भी आ रही है। और क्या आपको लगता है जैसे आप सूरत में हो, सूरत में बड़े भी हुए हो, तो जैसे आपको भी पता है कि मिशन है ये पूरे एक वेब सीरीज का, वो ये है कि भाई सूरत को एक डिजिटल सिटी के तौर पे हमें लाना है, तो आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है सारे ऐसे स्कूल के बच्चों का या जो कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का? एक्चुअली मैं इस सब चीज़ का एक्चुअली मैं सबसे पहले ये जान लें कि सूरत पूरे वर्ल्ड में 4th फास्टेस्ट सिटी है जो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, तो इसका सबसे पहले ये भी बात आपने नहीं सुनी होगी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है जिसके अपन विंडोज वो सब यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने सूरत के साथ कोलैबोरेशन किया है कि उसको डिजिटल सिटी बनाए, सिटी नेक्स्ट करके आप गूगल पे सर्च भी मार सकते हो। उसका क्या है, उसने जब से सूरत के साथ कोलैबोरेशन किया है, SMC का ये रिपोर्ट है कि 27% क्राइम की जो रिड्यूसमेंट रेट होती है वो कम हो चुकी है। और जैसे कि आपने बोला कि स्कूल में बच्चों का उसमें क्या इन्फ्लुएंस रह सकता है, तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि बच्चे डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल्स जैसे फेसबुक हाइक व्हाट्सअप जैसे सब टूल यूज़ करें, पर उसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो थोड़ा कम कर ले। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं दिन में टीवी बोले तो सिर्फ 15 से 20 मिनट देखता हूँ, और पूरे दिन में मोबाइल लैपटॉप उन सबको लेके सिर्फ 2 घंटे टाइम देता हूँ। उसमें मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, अपलोड भी कर लेता हूँ और बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग बातें भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले स्कूल के तरीके से बात करें तो फिर हर स्कूल में अगर ई बोर्ड डिजिटल मार्केटिंग और उसके बारे में भी कंसल्टेंसी दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक है, क्योंकि सबको पता है कि हम ये यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं, पर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसको पता नहीं है। सब अपने चैटिंग के लिए वो सब के लिए मतलब भले यूज़ कर रहे हैं, पर इसके बहुत सारे अलग बेनिफिट भी है जो सब देख नहीं रहे। तो एक्चुअली में क्या हर स्कूल में एक एक सेमिनार ऐसा होना चाहिए ताकि क्या इसको इन सब बच्चों को पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में व्हाट एग्जिस्टेंस किस तरह से आया और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से आगे 1 या 2 सालों के अंदर आप कुछ आपको ज्यादा करने वाले हो जिससे और ज्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुंचे, ऐसा कुछ प्लान है आपका? प्लान तो है, पर इसका मेन कंसर्न क्या, अगर ये जो भी प्लेटफॉर्म पे मेरा चैनल अभी स्टैंड कर रहा है उसका ग्रोथ अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर अगर कंटेंट में ट्रेंडिंग वीडियोस अभी बहुत सारी मतलब मोस्टली पॉपुलर हो रही है, तो मेरी अभी बोले तो जो भी वीडियोस जो मैंने पहले डाली थी उन सब में किस तरह का है, जो भी वीडियो मतलब 100 व्यूज़ के ऊपर जो वीडियो क्रॉस कर लेती है उसकी वीडियोस की अभी मतलब डिमांड ज़्यादा चल रही है। जैसे कि अभी कल आज तक में आया था इस तरह से कि टीपू सुल्तान के इस तरह के फैक्ट, तो कल रात से अभी तक मेरे वो टीपू सुल्तान वाला एक वीडियो है उस पर 10-15 जितनी व्यूज़ भी चढ़ चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में देखे तो अगर मैं 5, 6 या 10 साल तक रोज मतलब वीक में 2-2 वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरा चैनल एक बड़ी स्टैंड में भी आ जाएगा और अच्छा ग्रोथ लेवल भी दिखने मिलेगा। और आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि आपके चैनल का नाम क्या है, वो कहां पर आपके वीडियोस देख सकते हैं? मेरा चैनल का नाम डेली डॉट है, जो आपको यूट्यूब पे देखने मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, फेसबुक पे उसका पेज है, इंस्टाग्राम, टम्बलर, स्टम्बल अपॉन, वीमियो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा चैनल मिलेगा। थैंक यू सो मच नमन यहाँ पर आने के लिए। और दोस्तों मैं भी चाहूँगा कि आप डेली डॉट को ज़रूर से कनेक्ट हो और आप भी इसके सारे वीडियोस देखें, और अगर आपको कोई और चीज़ें जाननी हो तो आप वहाँ से नमन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें। ऐसे बच्चे ही हमारे सिटी को ज़रूर एक डिजिटल सिटी के तौर पर भारत में एक नाम देंगे। थैंक यू सो मच नमन फॉर कमिंग एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे के दिन हम सूरत में रहने वाले कहीं स्टूडेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कोई अच्छी तरह से करता है कोई बुरी तरह से करता है, पर ऐसे कहीं स्टूडेंट्स हैं जो पॉजिटिवली उसका यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स नॉलेज वगैरह गेन भी करते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है चिराग जैन, तो चलो मिलते हैं हम चिराग जैन से। हेलो चिराग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द टेकी किड्स एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आप बताइए कि आपने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के फील्ड में क्या क्या काम किया है और क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? आई एम इन 9th स्टैंडर्ड एंड आई एम स्टडिंग इन LP सॉन इंटरनेशनल। मैंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है वो एडिटिंग है,
और लोगों के लिए कॉमेडी वीडियोस बनाना, मतलब लोगों को एंटरटेन करना, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद शूट करते हैं हम लोग, फिर वो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। यूट्यूब पे हमारी एक चैनल है जिससे लोग मतलब एंटरटेन हो सके, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ वो मतलब हंस सके। लाफ्टर इज़ अ बिगर मेडिसिन, तो हम वीडियो बनाते हैं, तो मेरी एक चैनल है उसका नाम है सीजरॉक्स कॉमेडी का बॉक्स यूट्यूब पे। ओके, एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आपकी जो चैनल है उसको लेकर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यूट्यूब द्वारा बाहर आऊँ, लोग मेरे को देखे और मैं फेमस हूँ, और मुझे एक्टर बनना है एक्चुअल में, तो एक्टर की फील्ड में ही मैं ये सब एंटरटेनर और कॉमेडियन बनना है। और आपकी यूट्यूब चैनल को आप दूसरे कौन से चैनल से प्रमोट करते हैं कि जिससे आपको यूट्यूब पे ज़्यादा लोग आपको देखें? आपकी और भी कोई चैनल है जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे बहुत सारे? हाँ, मैं फेसबुक पे पोस्ट करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उन सब पे पोस्ट करता ही रहता हूँ कि माई न्यू वीडियो हैज़ लॉन्च्ड एंड। और जैसे कि हम जानते हैं कि कई बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल भी करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप कोई टिप देना चाहेंगे कि पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें उसको? पहली बात, बच्चे ज़्यादातर घर पे जाके मोबाइल में मतलब कुछ भी गेम्स खेलने लग जाते हैं, या तो सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब चैटिंग करते हैं, वैसा उनको उसका प्लस पॉइंट नहीं मालूम अब तक, वो माइनस में ही जा रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको लोगों को समझाना चाहिए सोशल मीडिया क्या है, या ब्लॉग राइटिंग करनी चाहिए, मतलब कंट्री में क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चला था उसके बारे में उनको कुछ पोस्ट करना चाहिए कि सब कर सकते हैं। अभी डीमोनेटाइजेशन के वक्त लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आते थे, उसके बारे में भी वो लोगों को समझा सकते थे मतलब, तो उसके लिए उनको ब्लॉग राइटिंग करनी चाहिए। ओके, और जैसे बच्चे तो इस्तेमाल करते हैं, पर हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग हम जितना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते या करते हैं वो, तो हम उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे इस टेक्नोलॉजी का एक्सेप्ट करें और उसी में अपने आप को ढाले वो भी अपने आप को? पेरेंट्स तो मतलब आधे पेरेंट्स तो हाउसवाइफ ही होती है, मतलब पेरेंट्स में मॉम्स तो हाउसवाइफ ही होती है, तो वो बहुत रेयर केस में उनको चांस मिलता है यूज़ करने का फ़ोन। और जो करते आधे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत प्लस पॉइंट में करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, पर जो थोड़े लोग हैं ना वो मतलब ओनली सिर्फ सर्च करते हैं, लाइक करते हैं बस, लाइक कमेंट बस। उनको भी इस फील्ड में मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए, लोगों द्वारा उनका मैसेज पहुंचाना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी कोई भी मतलब अचीवमेंट्स है वो सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि सूरत एक डिजिटली स्मार्ट सिटी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि सूरत कितने समय में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सूरत के नाम पर जाना चाहेगा, या कितना जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा? धीरे धीरे सूरत एक्सेप्ट कर रहा है, लोग जान रहे हैं डिजिटल इंडिया क्या है, और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है मतलब मोदी जी ने ट्राई की है कि हमारे पीएम ने कि इंडिया डिजिटल बनाए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करे। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स बिल आया, लाइट बिल आया, जाके पे कर देंगे कैश में, उनको ये नहीं पता कि वो घर बैठ के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उनका कितना टाइम बच रहा है, वो आधे घंटा वेस्ट करते उधर जाएंगे कैश पेमेंट करेंगे, वही वो 2 मिनट में घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग है वो सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर वापस डीमोनेटाइजेशन हुआ या कुछ ऐसी सिचुएशन आई तब जो नहीं जानते वो क्या करेंगे। और जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, और स्कूल में देखा जाए तो कई बार आप पता भी नहीं होता है कि हमारे ही स्कूल में कैसा बच्चा है जो टेक्नोलॉजी में इतना कर रहा है, उसकी एक चैनल है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए और किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए इन बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, स्कूल को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, पर आज की स्कूल में क्या हो रहा है कि पढ़ाएंगे लिखा देंगे बस, वो ही चल रहा है, मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें बच्चों के लिए कुछ वर्कशॉप करने चाहिए, उनको मतलब थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, डिजिटल इंडिया क्या है समझाना चाहिए,
वो इस सब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब तो आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूलों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि डिजिटल फील्ड क्या है, उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, नेट बैंकिंग से उनको इंट्रोड्यूस करें कि वो सब क्या है, आप सोशल मीडिया पे क्या क्या प्लस पॉइंट से क्या क्या कर सकते हैं। पर कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है स्कूल में, पर उसमें क्या है वो सब रटा देते बता देते ये होता है, वो अंदर प्रैक्टिकल इतना नहीं करवा पाते। और आपने आपकी जर्नी ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किस तरह से स्टार्ट की थी आपने, मतलब कैसे आपको आइडिया है कि मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअल में मैं राजस्थान गया था, वहाँ मेरा फ्रेंड, मैं रोज़ उसको बुलाने जाता था कि खेलने आ जा भाई, वो रोज़ बोलता था नहीं नहीं मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। मैं मतलब बोर हो जाता है, क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाना है ये सब है। फिर मैंने भी एक चैनल बनाई थी, पर उसमें क्या होता है वीडियो अपने दूसरे के डालते तो वो नहीं अलाउ होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है। तो मैंने फिर थोड़े दिन बाद मैंने पूछा क्या है भाई यूट्यूब पे ऐसा क्या है जो तुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसने बोला कि भाई यूट्यूब पे ये तेरे को मैं ऐप देता हूँ, तो इसे एडिट करके बना, मतलब तुझे भी मज़ा आएगी। तो मैंने चार पांच वीडियो तो पहले व्हाट्सअप के ही थोड़े एडिट करके मेरी चैनल पे अपलोड किए, फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने उससे एक बड़ा सॉफ्टवेयर मांगा कि भाई लैपटॉप में कुछ एडिट कर सके तो HD वीडियोज़ के लिए। तो उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर बताया, फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि अपने वीडियो बना तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग चालू की, शूट करना चालू किया, फिर अपने वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करने लगा। वेरी नाइस व्यूअर्स, तो ये थे हमारे साथ चिराग जैन, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई सारे अभी सीख रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हम दुआ करते हैं कि आगे भी उसमें बहुत तरक्की करें। तो एक बार हम जानते हैं कि चिराग कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है और उसके प्लेटफॉर्म के कौन से नाम से वो एक्टिव है। चिराग, आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरी YouTube चैनल का नाम है सीजे रॉक्स कॉमेडी का बॉक्स, उसमें हम लोगों के लिए कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको भी कॉमेडी वीडियोस देखने की इच्छा हो तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और Facebook पे भी एक पेज है, वो भी सीजे रॉक्स कॉमेडी का बॉक्स करके ही उसका नाम है, उधर भी हम वही वीडियो की लिंक शेयर करते हैं, अगर आपको Facebook थ्रू YouTube पे जाना हो तो आप जा सकते हो। Instagram पे हम वाइंस बनाते हैं सीजे रॉक्स वाइंस करके, उसमें भी हम कॉमेडी वीडियोस और वाइंस रखते हैं, तो आप उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू चिराग फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े और हम चिराग को सुना। मैं चाहती हूँ कि आप भी चिराग जैसे कहीं बच्चों को अपने आजू बाजू में देखते होंगे या सुनते होंगे, उनके काम को देखते होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी एनकरेज करें पॉजिटिवली, उनको कुछ ना कुछ अगर उन्हें नहीं आता है तो उन्हें सिखाने भेजे बाहर, उन्हें भी इस फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए, उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ पर। थैंक यू सो मच।